Hello students, I am going to start with a textual exercise and among that we have to continue with the fourth number sum. Here just I am reading the sums, then after calculate, Amar and Akbar are the partner of the firm distributing profit and loss of the firm in equal proportion. Here equal proportion, that you have to keep in mind. They decided to change their profit and loss sharing proportion to 3:2 for future. So that ratio have changed. So here we have to calculate the sacrifice or gain. Here we have calculate what is sacrifice. Sacrifice the formula we have to apply. Has been made by which partner? So here sacrifice ratio formula is SOM. I have given earlier also SOM. And what have given in the sum? First of all, we have to write that Amar. Akbar equal proportion means 1:1. Order ratio is 1:1. Its total is 2. So old share is equal to 1/2 and 1/2. Okay, so total we have to divide it and make the shares. Yes, is shares banta hai. Now new sharing ratio is 3:2. So that also we have to calculate the share. New ratio 3:2. टोटल ऑफ 5. सो शेयर कैसे बनेगा? न्यू शेयर 3/5 एंड 2/5. नाउ फ्रॉम दिस वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो. और सेक्रीफाइस रेशियो के लिए फॉर्मूला है सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. सो माइनस पहले फाइंड करेंगे अमर. अमर का ओल्ड शेयर क्या है? 1/2 माइनस न्यू शेयर क्या है? 3/5. अब यहां पर डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए हमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, इसीलिए डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. तो हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन सब्ट्रैक्ट. तो एलसीएम 2/5, ये जो डिनोमिनेटर्स है उनके एलसीएम निकालेंगे तभी जाकर 2 वन जार और 5 ऐसे कैसा, फिर 5 वन जार. ओके, सो योर एलसीएम क्या होगा? 2 × 5, दैट इज 5 × 10. तो हमें डिनोमिनेटर 10 बनाने हैं तो ही ये एलसीएम सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे. सो योर फॉर मेकिंग 1/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा. 2 के टेबल में 10 5 से आता है, सो 5 × 10 ऊपर और नीचे दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई करना रहेगा. देन माइनस 3/5, इसको भी ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर आएगा 2 से, 2. ओके, सो हियर 5 × 5, 5 × 10 माइनस 2 × 3 = 6, 5 × 10. अब डिनोमिनेटर सेम हो गए. With this denominator, same denominator, we have to subtract. नीचे 10 आ गया और 5 − 6, 5 − 6. So we are getting the answer in minus. Minus 6, minus 1/10. So here, पहले भी मैंने बताया था कि जब माइनस में आंसर आता है हम सेक्रीफाइस ढूंढते हैं, और माइनस में आंसर आता है तो उसका ऑपोजिट, दैट इज ऑफ गेन. ये पर्सन जो है अमर है वो गेन कर रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
अकबर, हियर आई एम हैविंग द प्लेस, अकबर, हियर ऑल्सो ओल्ड माइनस न्यू, अकबर ओल्ड इज 1/2 माइनस 2/5, सो हियर डिनोमिनेटर्स एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ है 10, डिनोमिनेटर्स में 10 लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, माइनस 2/5 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी आर गेटिंग द आंसर 5 2 10 माइनस 2 4 5 2 10 एंड वी आर गेटिंग द आंसर 5 - 4/10 एंड इट्स आंसर इज 1/10 सो दैट इज ऑफ अकबर्स सेक्रीफाइस. अकबर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और अमर जो है वो गेन कर रहा है. एक पर्सन ने सेक्रीफाइस किया और दूसरा पर्सन गेन कर रहा है. सो दैट इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर सम, कोमल, कृपा एंड करिश्मा आर पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. तीन पार्टनर है कोमल, कृपा एंड करिश्मा. दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. हियर ओल्ड रेशियो इज गिवन. ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो टू 5:3:2. ओके, न्यू रेशियो भी गिवन और ओल्ड रेशियो ऑल्सो गिवन फॉर फ्यूचर. फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो. हियर ऑल्सो द सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना है. तो पहले तो ओल्ड शेयर फाइन करने के लिए ओल्ड रेशियो 3:2:1. तो इसका टोटल हो जाएगा 3+2+1, 3/6, 2/6 and 1/6. ओके, तो ये ओल्ड शेयर हुआ. नाउ न्यू इज 5:3:2. 5:3:2. तो न्यू शेयर बनेगा इसका 5+3+2, 10. 5/10, 3/10 and 2/10. So that are the new share. Now we have to calculate from this information. ये already sum के अंदर दिया गया है. तो इस information के according to हम sacrifice. यहाँ पर sacrifice ratio कौन क्या कितना sacrifice कर रहा है वो ढूंढना है. तो पहले हम लेंगे कोमल, फिर कृपा, फिर करिश्मा. और sacrifice का ratio है सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको सेक्रीफाइस के लिए. पहले ओल्ड शेयर आएगा फिर न्यू शेयर आएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोमल, कोमल का ओल्ड शेयर दैट इज ऑफ 3/6. न्यू शेयर इज ऑफ 5/10. यहां पर भी डिनोमिनेटर्स अलग है तो उसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा. 6, 10, 2, 3 are 6 और 2, 5 are 10, 3, 1 are 3, 5 ऐसे का ऐसा 5, 1 are. ओके, तो इसका एलसीएम निकलेगा 2 into 3 into 5, 30. इसका एलसीएम 30 निकल रहा है तो इसको डिनोमिनेटर्स में 30 लाना पड़ेगा. और 30 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा.
ये खास कैलकुलेशंस याद रखने हैं, क्योंकि फ्यूचर में पूरी बुक के अंदर ऐसा ही कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ पर थरली हाउ टू कीप इन माइंड। 3/6, 6 के टेबल में 30 कब आता है? सो दैट फाइव माइनस 5/10, 3, 3, ओके, सो 5 3 15, 6 5 30, माइनस 5 3 15, 10 3 30, 15 माइनस 15, डिनोमिनेटर्स में 30 ले लेंगे क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ऊपर का सब्ट्रैक्शन करेंगे 15 माइनस 15, सो वी आर गेटिंग द आंसर 0/30, मीन्स वी आर गेटिंग द आंसर 0। तो कोमल जो है, कोमल इज नॉट सेक्रीफाइंग और नॉट गेनिंग। नाउ नेक्स्ट बचा है कृपा, उसका ओल्ड 2/6 माइनस म्यू 3/10, क्योर एलसीएम ऑलरेडी निकाला हुआ है 30 को करने के लिए यहां पर इसे मल्टीप्लाई करके 2/6 मल्टीप्लाई बाय 5/5 माइनस 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करना रहेगा ऊपर और नीचे, फिर 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3/3, ओके, सो 3/3 करेंगे तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 6 5 30 माइनस 3 3 9, 30, सो योर आंसर इज 10 - 9/30, सो वी आर गेटिंग 1/30। कृपा इज सेक्रीफाइंग 1/30। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट इज करिश्मा, इट्स ओल्ड इज 1/6, न्यू इज 2/10। यहां पर ऑलरेडी एलसीएम निकाला हुआ है हमारा 30, तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5/5 माइनस यहां पर 2/10 ले लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/3, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योर 5 5 5, 6 5 30 माइनस 2 3 6 एंड 10 3 30, क्योर डिनोमिनेटर सेम है तो हम 30 नीचे रख देंगे एंड 5 - 6, क्योर वी आर गेटिंग आंसर -1/30। -1/30 मीन्स क्योर जब सेक्रीफाइस ढूंढते हैं और माइनस में आंसर आता है तो दैट इज गेनिंग, तो ये हुआ गेन ऑफ करिश्मा। यहाँ पर कृपा सेक्रीफाइस कर रही है 1/30 और करिश्मा गेन कर रही है -1/30, ओके, क्योंकि यहाँ पर कोमल जो है वो कुछ सेक्रीफाइस और गेन नहीं कर रहे, सो दैट इज व्हाई दिस टू, वन इज सेक्रीफाइस एंड अनदर इज गेन। यहाँ पर एक पार्टनर जो है वो कुछ भी लेता नहीं है, देता नहीं है, ओके, सो दिस इज द सम अबाउट। थैंक यू।